Semana mais não está sem uma neblina. Em barra, para o Pujim Santo de Ricalheiro, você tem que ir para o Pujim Santo de अक्षय जैसा बता रहे थे कि 2000 से भंडारण शिविर हो रहे हैं, पता ही नहीं चला कि 9 साल बीत गए। और ऐसे ही प्रश्न भी साथ साथ युग में बीत जाए। हम सन 2000 साल में हो या वर्तित, जब कभी भी साधना के क्रम में आते हैं, साधनाएं काल के अनुसार बदलती चली गई। काल का उत्कृष्ट समय जो साधना सतयुग में थी, तपस्या थी, वेदों का जानना था, यह सब जब त्रेता युग में आई तो क्षत्रिय धर्म में परिणत थी और उसे शास्त्र कहा गया। शास्त्र सम्मत कार्य हुआ त्रेता युग में, और द्वापर युग में कर्म की कथा निकल गई। काल जैसा बदला, शास्त्र धर्म वेद अपने अपने उपनाम देते हुए आगे बढ़ते गए, और आज कलयुग में जिसका नाम भक्ति या गुरु जी के वचन में साधना यह नाम दिया गया है। तो आप कहेंगे कि साधना सतयुग में नहीं थी। सतयुग में गुरु को ढूंढने में शिष्य जाता था। त्रेता युग में गुरु एक जगह बैठे हुए शिष्य को बुलाता है, और द्वापर युग में गुरु शिष्य का संबंध उस स्थिति के अनुसार हुआ, लेकिन आजकल वैसा नहीं होता। जहां शिष्य बैठे हुए होते हैं वहां गुरु आता है। कलयुग ज्ञान देने की ज्ञान देने का विधान बदला। और इस वेद धर्म का हो या इसका हो, उसकी इन सारी स्थितियों का उद्गम हम ब्रह्म के उन पुत्रों को, जिसे हम ऋषि कहते हैं, से इसका आरंभ हुआ। ऋषि का अर्थ है ऋचा को बताने वाला, और ऋचा का अर्थ है अक्षर का ज्ञान देने वाला या अक्षर की रचना करने वाला। ऋचा और रचना ये अक्षर के ज्ञान को कहा जाता है। और ऋषि ने जब यह रचना आरंभ की, शब्दों की रचना आरंभ की, हम भाव व्यक्त हुए, अपने भाव को व्यक्त करते हैं। इसलिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ क्यों कहलाया गया, क्योंकि इसमें भाव का अभिव्यक्ति है शब्दों के द्वारा, रचना के द्वारा, शब्दों को एकत्रित करते हुए। और इन शब्दों की रचना करने वाले को ही ऋचा या ऋषि कहा गया है। और वह ऋषि अपने पेड़ पौधों का ज्ञान देता हुआ, पानी का ज्ञान देता हुआ, पहाड़ों का, जल और चेतन का ज्ञान देता हुआ आगे बढ़ा, और जब ब्रह्म ज्ञान तक बढ़ा, उसे सारे लोगों को ऋषि कहा गया है। और इस प्रकार इस ज्ञान को देते समय हम उस ज्ञान से जो भी आज तक अनुभव करते हुए आ रहे हैं, चाहे सूर्य की गरिमा क्यों न हो, नदी के साथ जीना क्यों न हो, बॉडी का खोदना क्यों न हो, खेती करना क्यों न हो, या बुद्धि का विकास क्यों न हो, या वेदों को पढ़ना क्यों न हो, ये सब ऋषि संप्रदाय से हमारे पास आता आया है, और आज हम इसका विस्तार देख रहे हैं। तो हम उस ऋषि के ज्ञान को नर का अर्थ होता है ज्ञान, और रू का अर्थ होता है ऋषि, ऋण का अर्थ होता है ऋषि का ज्ञान, ऋषि का दिया हुआ ज्ञान। हम इस ज्ञान को लेकर हम उन ऋषियों के ऋणी हुए, अर्थात उनके हर कार्य को उसी जन्म में प्राप्त किया,
चाहे बच्चों को पैदा करने का ज्ञान हो, चाहे अक्षर ज्ञान हो, चाहे विद्या का ज्ञान हो, चाहे पेड़ पौधों का आयुर्वेदिक ज्ञान हो, चाहे हमें जीने की कला सिखाने की प्रक्रिया हो, इस सारी ऋषि संप्रदाय से आई। और इस ऋषि संप्रदाय में ब्रह्म के पुत्र ऋषियों सप्तऋषियों को कहा गया। ब्रह्मा ने उन सप्तऋषि महासूत्रों को ज्ञान किया और उन ऋषियों ने इस ज्ञान का विस्तार किया उसे। और उस ज्ञान के विस्तार से हम आज सब कपड़ा पहन रहे हैं, हम एक विविध रंगों के होम हवन आदि जो करते हुए जी रहे हैं, उसे ऋषि का दिया ज्ञान रहने के कारण उसे गुण कहा गया। और उस ऋण को छुड़ाने के लिए ऋण बहुत प्रकार के ऋण कहलाए थे। ऋषियों ने देवताओं का ध्यान किया, ये देवता है जिसकी प्रार्थना करो तो तुम्हें ये ज्ञान ये तुम्हारे को तुम को ये वस्तु देगा। तो हम उससे ऋणी हुए। ऋणी का मतलब होता है हम जिससे कुछ प्राप्त किया उसको देने की प्रक्रिया, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसको तो ले लिए देना अपना कर्तव्य है। तो भगवान इस तरह करते करते क्या हुआ कि हमारे को शरीर जन्म मिल गया और जन्म ले भी लिया। तो हमें खाने के देने वाले वस्तु को छुड़ाना पड़ता है। हम शरीर प्राप्त किए, शरीर को भस्म कर देंगे, चरण को विलीन कर देंगे। इस शरीर को छुड़ाना नहीं है, शरीर को प्राप्त किए हैं तो उसे छुड़ाने की जरूरत है, यह ऋण है। लेकिन यह जो प्राप्त करने के बाद छुड़ाने तक की प्रक्रिया है, जो बीच में हम जिस जीवन को गुजार रहे हैं उसमें हमें बहुत लोगों का ऋण किया है। नदी का ऋण है, आकाश का ऋण है, सूर्य का ऋण है और इस प्रकार के बहुत सारे ऋण है। और इन ऋणों को हमें चुकाना पड़ता है और इन ऋणों को नहीं चुकाते समय ही हम कष्ट अनुभव करते हैं या बाधा अनुभव करते हैं। और यह ऋण को ही ऋषि के वचन को, ऋषि के ज्ञान को ऋण कहते हुए हम प्राप्त करें। हम आज पानी का गिलास पी रहे, गिलास में पानी पी रहे हैं या हम इससे पानी पी रहे, तो पानी पीने का ज्ञान भी कि कौन सा पानी पीना है या कौन सा पानी नहीं पीना है, यह भी ऋषि के ऋषि ने अपने वेदों में कहा गया है। कलश में पानी को किस तरह स्नान करना है, उसे लेना है, उसे कहा गया है। तो इन सभी को छुपाने के लिए हमने कुछ वचन दिए हैं, जैसे उर्वर होना। उर्वर का अर्थ होता है उर्वर से उर्वरा होना। उर्वर का अर्थ होता है हृदय, जो माता के गर्भ से प्राप्त हुआ। हम रख के उस माता के गर्भ से उर्वरी को सुन को फेंकने को उर्वर कहा गया। उर्वर का अर्थ होता है हृदय, या हृदय का मतलब होता है पेट। उसके उर्वर को उर्वरी होना, वे उर्वरी कोई नहीं हो सकता। उसी प्रकार वरुण का गया है, पानी के ऋण को वरुण का गया है। और अरुण का मतलब होता है सूर्य, सूर्य से वृद्धि के ऋण को प्राप्त करने जो हमने आज पेड़ पौधे ये सब प्राप्त किए हैं, ये सूर्य का ऋण है। वरुण का मतलब है जल से प्राप्त करने का। और करुण का मतलब होता है कर्म से ऋण का प्राप्त होना। हम कहते हैं विश्व करुणा करो, यानी मैंने कर्म किया है उससे पाप आया हुआ है, हर कर्म में कोई ना कोई पाप नहीं है। आप पैसा भी कर्म करो शरीर धारण किए हैं तो जल से लेकर पाप आया हुआ, और आप मर जाए तब तक भी आपके पास समय है। और तब हम भगवान से गुरु से कहने की मुझ पर करुणा करो, दया करो, मेरे कर्म से ऋण हुआ है उसके ऊपर दया करके इस ऋण को चुका दो, इसे करुण कहा गया। और दारू दारू कहा गया, दारू का मतलब है दारू का ऋण। दारू का नाम किसी की हत्या कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, इसे दारू हत्या की ऐसा कहते हैं। दारू का मतलब है दानव का ऋण। तो इस प्रकार आप समाज में समझ रहे हो कि हम कितने प्रकार के ऋणी हैं, हमें कितने प्रकार के ऋण की बोझ से हम जीते हैं और हमारे जीवन में कार्य होता है। हमारे जीवन में कहते हैं कि गुरु जी मैं मेरे साथ परीक्षा में बैठा हुआ, मैं और लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही बेंच में अदर बदल बैठते हैं, वो भी जो नोट सीखता है मैं भी वही नोट सीखता हूँ, उसी टीचर से हमें विद्या पाई है, लेकिन वो फर्स्ट क्लास पास होता है, मैं थर्ड क्लास पास हुआ। कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं, एक ही टीचर के पास दोनों एक ही क्लास पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ते रहते हैं और एक पास होता है और एक फेल होता है। कारण क्या है? बहुत सारा ऋण आड़ा आया है। हाँ, एक व्यापारी होता है, वो अपनी व्यापार विषय करता है, दूसरा भी व्यापार विषय करता है, वह भी टुकड़ा वहां से जाता है, ये भी टुकड़ा वहां से जाता है, लेकिन धन के आगे में एक बहुत ही ऊंचा चल जाता है, एक अपना ऋण चुका नहीं सकता। तो ये सारे ऋण क्यों होते हैं? हमने कर्म के कारण, तब हम करुणा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की दया को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या गुरु से या और किसी से प्राप्त करते हैं, दया की अर्चना करते हैं। और यह अर्चना, यह रूप भेटने का विधान, यह रूप सुनाने का विधान कि हम आज उस ऋणों के कारण ही दुखी हैं, उन ऋणों को चुकाते नहीं, इसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार जन्म लेकर बार बार इन चीजों का अनुभव करना पड़ता है। हम कभी बहुत सारे लोगों को देखे, मैंने एक बार आपको सुनाया
हमारे पास इससे पहले मैंने बताया अगर इससे पहले शिविर में आप आए हैं तो हमारे पास हमारे घर के बगल में एक अभी बहुत फ्री था, उसके चार पांच फ्लैट थे। तो उस फ्लैट में लोग किराए पर रहते थे, रोज किराए का खतर। लेकिन अगर किसी ने किराया देने में आनाकानी कर दी या किराया नहीं दे रहा है तो वो क्या करता था, उसका घर बंद कर देता था, उसका अपना टॉयलेट का पाइप बंद कर देता था, किससे वो खाली करके चला जाए, उसको सताता था वो। तो एक बार एक अच्छा आदमी दो महीने तीन महीने किसी कारण से अब उसका किराया नहीं चला सका, उसको उसने इतना सताया कि बस पूछो मत। बाद में कुछ दिन हो गए, वो खाली हो गया, चले गया। इस तरह बहुत से लोग मेरे पास आए, कंप्लेंट करते गए कि गुरी वो बहुत सताता है, उसके पास किराए को जाना मुश्किल है, किराए को नहीं देता तो सताता है। थोड़े दिनों के बाद वह जो मालिक था वो मालिक बीमार गिर गया, बीमार ऐसा हुआ कि उसको उसका यूरिन बंद हो गया। तो तब तक वो कभी नहीं आया था, उसकी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी गुरु जी आप तो दया दया में है, करुणा में है, आपने सभी को अच्छा किया है, मेरे पति को कल रात से मूत्र नहीं आ रहा है और वो उसका पेट खुल गया है, डॉक्टरों के पास ले जाना चाहिए, तो डॉक्टरों का सारी के लिए गुरु जी कुछ करें कैसा करते हैं। मैंने कहा आज तक किराया रखने कितने पाइप बंद कर दिए, ऊपर वाले ने क्या पाइप बंद कर दिया। ये हम सुना नहीं है, अब तक तो इतने पाइप बंद करके आया, उनको उतना सताया, कम से कम थोड़ा तो धीरे धीरे सताना होगा। उसकी बीवी बने लेकिन गुरु जी ये बात सच है, अब से वैसा हम ही काम करेंगे, ये बात तेरे पति को कहने के लिए बोल, उसका वो चालू हो जाएगा है। उसके पति के पास गई और उसने कहा कि गुरु जी ऐसा कहते हैं। वो क्या कर रहा है, पकड़ के उपनिषद में कहा के कहा जाया गुरु जी मैं पाइप नहीं बंद करूंगा, बोले आप पाइप चालू हो जाएगा। वहां के राजा ने के कारण वे धनु के घर आए जाए, विश्वकर्मा के घर आए जाए करते थे,
और विश्व बाबू ने शिष्य मान लिया था और वो पूर्ण समर्पित शिष्य था अपने गुरु के प्रति। इसी प्रकार उस वृषभ की कन्या शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इन दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, एक ही उम्र के होने के कारण दोनों मित्रता थी। लेकिन शुक्राचार्य अपने पुत्र से उतना ही प्रेम करते थे जितना वृषभ अपनी पुत्र से भी करते थे। इन दोनों की सहेलियों में दोनों खेलते थे, कूदते थे, कहीं जाते थे। तो एक बार बगीचे में हम लोग बहुत देर तक खेलने कूदने गए और शाम भी तो नहाने एक सरोवर में उतर नहाने चले गए। नहाना हो गया, शाम हो गई थी तो उन्होंने कपड़े बदलते समय शर्मिष्ठा की साड़ी देवयानी ने पहनी और देवयानी की साड़ी शर्मिष्ठा ने पहन ली, यानी एक राजपुत्री की कन्या की साड़ी शुक्राचार्य की बेटी ने पहन ली जो उनके घर का कुल गुरु है उनकी बेटी ने पहन ली और कुल गुरु की साड़ी उन्होंने पहन ली। तो वो राजकन्या की शर्मिष्ठा उसने देखा और देवयानी को धरा पड़ा कह दिया तो हमारे घर में पिताजी भिक्षा मांगते हैं भिक्षु है तो हमारे तो भिक्षु की कन्या को मेरी साड़ी पहनती है क्या, ऐसा उसने देवयानी को कहा। देवयानी को बहुत ही नाराजगी हुई, उन्होंने कहा तेरे पिता मेरे गुरु मेरे पिता के पास याचक की तरह रहते हैं और बिगड़ाते रहते हैं, तू मेरे लिए कहती है क्या। देवयानी ने उसे दो बातें सुनाई, दोनों में आनाकानी हो गई। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को जाते जाते एक कुएं में ढके दिया और चली गई। तो शुक्राचार्य ने देखा कि बहुत देर हो गई देवयानी नहीं आई, शर्मिष्ठा चली गई, वे अपने ध्यान में देखने लगे तो कुएं में गिरी अपनी बेटी को जा देखा उन्होंने। तो उन्हें वहां से एक राजा थे जेजा की, वो वहां से जा रहे थे जब पुकार का नाम सुने कहा थे वे शाम पूछना तो उन्होंने आके देवयानी को बचाया। देवयानी बाहर आ गया और अपने पिता के पास गई और पिता को यह सारी बातें सुनाई जो शर्मिष्ठा ने कही। कहा कि पिताजी वह उष्णप्रभा की राजकन्या उसने मुझे भिक्षु भी कहा, उसकी साड़ी पहनने पर मुझे खराकने सुनाई और मुझे इस कौड़े में डाल दिया था। मैं आपसे उस गांव में प्रवेश शहर में प्रवेश नहीं करूंगी जहां उष्णप्रभा उसकी कन्या रहती है और पुत्र का मोह होने के कारण शुक्राचार्य ने कहा जहां बेटी तू नहीं रहती वहां मैं भी कैसे रह सकता हूं, मैं भी नहीं जाऊंगा। यह बात उस शिष्य को मालूम ही जो शुक्राचार्य शिष्य राजा उष्णप्रभा के उनको पता चला कि कन्या गुरु उसको गए हैं और वे गांव के बाहर बैठे हैं। और तब शुक्राचार्य ने कहा हम शिरोध से जीवन जिएंगे, शिरोध से जीवन प्राप्त होता है, शिला को खाकर जीने की प्रक्रिया है, पत्थरों को खाकर एक एक उस राजा के पास नहीं जाएंगे, बेटी मैं तेरे लिए जीता हूं। एक साधना शिरोध से जीवन का मतलब होता है शिला को उच्चिष्ट करके शिला को चाट कर बेचना, यह साधना है। मैं कभी समय आने पर बताऊंगा कि शुक्राचार्य को विद्या जानी जो संजीव विद्या के चालक थे उन्हें यह भी साधना हमें पता करता है। तब वे जब बाहर आए तो गुरु शुक्राचार्य के लिए मिलने के लिए शुक्रवार बहुत ही भागे भागे दौड़े दौड़े आए और उनके गुरुचरणों में विदरा के बोले मेरी पुत्री से गलती हो गई मुझे क्षमा कर दो प्रभु आप घर तक चले। उन्हें शुक्राचार्य से बहुत प्रार्थना की तो शुक्राचार्य ने एक ही बात कही तू शिष्य है तू श्रेष्ठ है तेरे शिष्य का मैं स्वीकारता हूं लेकिन एक बात है मैं तेरे से जितना प्यार करता हूं उतना मेरे पुत्र से भी प्यार करता हूं पर रुकी हुई है तू उसको मना ले मैं तेरे घर को आ जाऊंगा। कृष्ण प्रभा शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के पास गए और उसे विराट कर प्रार्थना करने लगी कि मेरी पुत्री से गलती हुई तुम गुरु स्थान में है क्षमा कर दो आप। देवयानी बहुत देर तक रुकी हुई थी बाद में की बाद में उसने एक शर्त रखी कृष्ण प्रभा को कहा कि मैं तुम इतना इतनी प्रार्थना कर रहे हो याचना कर रहे हो मैं तुम्हारे राज्य में जरूर आऊंगी मैं आऊंगी तो तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य भी आएंगे लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा क्या शर्त है बोलो। बोले बेटी जो भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूं। बोले कि तेरी कन्या के साथ 10,000 दासियों को लेकर तेरी कन्या मेरा दास्य तो स्वीकार करती है मेरे पास दासी बनकर आती है तो मैं तेरे घर आऊंगी। यह शुक्राचार्य की बेटी कृष्ण प्रभा को कहे कृष्ण प्रभा को कह दिया कि तेरी बेटी 10,000 दासियों को लेकर मेरा दास्य तो स्वीकार करती है तो मैं तुम्हारे गांव में मैं तुम्हारे शहर आऊंगी और मैं आने पर शुक्राचार्य भी आएंगे। कृष्ण प्रभा एक मिनट के लिए अपनी बेटी का
पेन मेकर देख रहे थे तो एक बेटी की गलती में देख रहे थे और अपने गुरु का पेन मेकर उन्हें कहा मेरे गुरु रहे तो लोग कल्याण मेरा कल्याण है अगर मेरे गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा और अपने बेटी के पास गए बेटी को बिगड़ा कर प्रार्थना करे बेटी ने गलती की है अपने लोग कल्याण के लोग जिनकी लिए तुझे एक असत्य स्वीकार करना होगा। शर्मिष्ठा बहुत देना खानी करते पिता के कहने पर कि अपने गुरु का उद्धार हो गुरु अपने घर आए बिना गुरु के वह वसल सुखान है मैं भी खिला नहीं चलता ये उस पर बात पिता के कहने पर शर्मिष्ठा ने कहा मुझे स्वीकार है और 10,000 दर्शन को लेकर देवयानी के पास गई देवयानी के पास गई और उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया देवयानी को कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है मैं मेरे पिता के लिए और लोग के लिए तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार हूँ अजान मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। यह बात शर्मिष्ठा यहाँ पर देवयानी को कही देवयानी ने कहा अब मैं तुम्हारी शर्त कर लूंगी। वह शहर चली और उसके पीछे दासी की भावना लेकर और राजा की कन्या उसके देवयानी के पीछे चल रही शुक्राचार्य भी चल रहे थे आगे गए तो शुक्राचार्य ने कहा बेटी वो राजकन्या है तूने शहर में उसे दासी के समान ले जाकर भी उसका उसको आधा मारा आधा मारकर छोड़ दिया क्योंकि अपमान मरण से भी ज्यादा होता है मृत्यु से भी अधिक होता है अपमान तूने वो अपमान किया है उसको बुद्धि प्रदान किए उसको खुला जन्म दे ऐसा शुक्राचार्य ने कहा। उन्होंने कहा कि जब वो मेरे पिता को भिक्षु कहती है क्या यह उसकी गलती नहीं है उसने कहा उस गलती का उसने अनुभव कर लिया है तो फिर इस गलती से उसने अपने लोगों के लिए दासत्व स्वीकार किया है तू उसको छोड़ दे। तो ये मैंने कह दी है पिताजी मैंने कह तो दिया लेकिन इसे छुड़ाना किस तरह मुझे नहीं आता ये आप ही समझा दीजिए। तो शर्मिष्ठा को बुलाकर कहते हैं तूने आज भी इसकी दासी लेने का वचन दिया है उसने कहा हाँ मैंने दिया है तू दासी है तो तुझे जो पति विवाह कर लेगा वो भी इसका दास होगा उसने कहा वो तो होगा अगर वो उसका दासी न स्वीकार करे तो तुझे बिना शादी करे ना होगा उसने कहा वो भी सच है तो तुझे ये पाप कर जाएगा तो अगर शादी नहीं कर लेगी वैसी रहेगी तो ये गुनाह में आया पाप में रहेगा ऐसा देवयानी ने उसका चेहरे से जा रहे हैं तो निकाह शाप तो मैंने ले लिया अब इस शाप से छुटकारा किसका ले लेना है या गुरु है आप ही समझाएं। अब सुराचार्य कहते हैं कि शाप देना उतना महान नहीं है लेकिन शाप से मुक्त होना भी एक श्रेष्ठ है और उसी ही शरण कहा गया है शाप से जुड़नी हो उसी शरण कहते हैं शरण जाना ही उस रोग से मुक्ति पाना। तब उन्होंने कहा कि कितने जन्मों तक मैं आपके शरण में रहूं यह बात उसने पूछी तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुझे आज वो दस प्रसाद से मुक्ति देगी लेकिन अगला जन्म जब भी होगा तू एक बार इसके पांव धोकर जल लेती है तो तुझे इस दस प्रसाद से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा इस जन्म में क्यों नहीं इस जन्म में तू अगर पाप धोएगी तो तेरे में अहम बना रहेगा अगला जन्म तुझे पता नहीं तू क्या करने वाली है इसके लिए अगले जन्म तक इस बात का ध्यान रहे कि तू इसके शरण धोएगी। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे बड़ी किस तरह ज्ञान था ये मैंने कहा कि वो अगले जन्म में शरण धोएगी तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि ये शर्मिष्ठा है। तो शुक्राचार्य ने कहा इसे चित्रण कहते हैं मैं तुझे वचन देता हूँ जितनी है तेरी शरण धोएगी तुझे मुझे इसका पता चल जाएगा कि तेरी दासी पर से छूट जाएगी। और यह रोग मिटाने के लिए शुक्राचार्य ने जो पद्धति बताई कि गुरु रोग से किस तरह छुटा जाता है या गुरु पुत्र के रोग से किस तरह छुटा जाता है क्यों गुरु चरणों में हम झुकते हैं और उसे चरण क्यों कहा गया है ये शुक्राचार्य समझाते हैं अपने पुत्री को देवयानी को शर्मिष्ठा को। शर्मिष्ठा उस रूप को छुपाने के लिए उनके चरणों में देवयानी के चरणों में जब गई तो ये चरण का अर्थ होता है कि चंडिका को रण देने वाले या रण से युक्त करने वाले को चरण कहा गया है और शरण का अर्थ होता है
शांति को प्राप्त करने वाले या सर्वेश्वर जो शरण गई उसको शरण कहा गया है। ये दोनों को शरणों में शरण जाने वाले को ही इस संसार से सारे ग्रहों से मुक्ति मिलती है। तो ये मुक्तियों को पाने के लिए जो विधान शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठ को बताया, अपनी पुत्री को बताया, और वे आगे कहने लगे कि यह बेटा यहां से छुटा नहीं, भगवान शिव हो, ब्रह्मा हो, या विष्णु हो, या शायद विश्वामित्र भी हो, इन सारे लोगों ने भी ऋण चुकाने के लिए बहुत सारे देवताओं के आराधना के लिए ऋषि का ऋण छुटा है। और यह ऋण छूटने के लिए उन्होंने क्या किया, यह बात समझा रहे, ये बात समझा रहे थे शुक्राचार्य अपनी बेटी को और उस राजा को और उस अभिष्ठा को कि संसार में ब्रह्मा ने जो सृष्टि आरंभ की और सृष्टि आरंभ करने के बाद उन्हें लगा कि ये जीव तो उत्पन्न हुए, सृष्टि तो मैंने की, ये सड़ेंगे, ये तपस्या करेंगे, ये फिर मर जाएंगे, तो इसका ऋण मुझ पर रह जाएगा, मैंने क्योंकि मैंने सृष्टि की है इससे इसका ऋण मुझ पर रहेगा, मैं इस ऋण से किस तरह छूटूंगा। और फिर उसी तरह ऋण के कारण ब्रह्मा अपने जो पांच सिर वाले थे अपने चार सिर वाले थे उसका एक सिर शिव जी ने काटा गया अपना अंत पंचमुख की ब्रह्मा चतुर्मुख की ब्रह्मा हो गए। इस ऋण के कारण का सर एक कटा तो उन्होंने श्री से प्रार्थना की कि ऐसा तो ऋण होता है मेरे शायद सब कट जाएंगे प्रभु सर। तो उन्होंने बालक की माता पार्वती की प्रार्थना की और माता पार्वती ने उस ऋण से छुटकारे के लिए जिस गण को सृष्टि किया वही गणपति है, वो अपने शरीर के माया से गणेश जी की सृष्टि की उन्होंने और उससे वो जो सृष्टि होके आए तब शिवजी ने आपको मालूम है कि शिव ने त्रिशूल का विशेषण का गला काटा और उसके हाथी का सर लगाया गया। तो इस बार भी त्रिपुरासुर नाम के राक्षस को जब उन्होंने नाश करने की बात कही तब लक्ष्मी ने कहा कि संसार में लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हरे कभी हुए हैं, क्योंकि जो जीवन प्राप्त किया है उसे लक्ष्य को प्राप्त करने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है और लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला नहीं होता। और उस ऋण से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती की सृष्टि गणपति की है और शक्ति देने वाली माँ लक्ष्मी है और विद्या प्रदाता भी गणेश जी कहलाए गए हैं। इस तरह तीनों शक्तियों ने माता पार्वती ने, माता लक्ष्मी ने, माता सरस्वती ने जिन्होंने अपनी सृष्टि गणेश जी में गणेश जी को प्रदान की। तो हल्दी के बने हुए गणपति माता के शरीर को जो ऊपर लगाया गया था जो हल्दी का था उससे निर्माण हुए गणपति का हम आज भी पूजन करते हैं। इस गणपति के वैसे जुड़े हुए पूजन हम मिट्टी का गणपति बनाते हैं जो पृथ्वी यह भी माँ लक्ष्मी कहा कहलाई गई, भू देवी कहलाई जाती है, इस मिट्टी से भी गणपति बनाते हैं, बाकी गणपति नाना गोबर से भी गणपति बनाते हैं, हम मिट्टी से भी गणपति बनाते हैं। इसी प्रकार सूर्य नारायण भगवान से भी गणपति बनता है और वो सूर्य नारायण का एक नाम है अर्क और हम सफेद आग के पत्ते को भी अर्क कहते हैं और श्वेता गणपति को अर्थ के गणपति का संज्ञा दी गई। श्वेता जो हुआ है वे भगवान सूर्य से सूर्य नारायण से आरंभ हुआ है और तब सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं रोज इतने पापियों और पुण्यों को देखता हूँ कि मेरे ये पाप मेरे को किस तरह छूटे। तब उन्होंने गणेश जी की प्रार्थना की और उनके बिंदु से जो श्वेता का श्वेता की उत्पत्ति हुई उसके जड़ को हम अगर निकालते हैं उस अर्थ को जो सूर्य नारायण का ही प्रतिबिंब कहलाया जाता है उसको पढ़ते हैं तो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता अपने ऋण के लिए गणेश जी की आराधना की, भगवान सूर्य नारायण ने भी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए सूर्य नारायण गणपति की पूजा की, श्वेता गणपति भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु को मारते समय उस ऋण से ही कश्यप प्रजापति का पुत्र होने के कारण वो ब्राह्मण था और उसके हत्या का पाप करने के कारण हिरण्यकश्यपु को मारने के कारण उस पाप से धोने के लिए उस ऋण से छुटकारा करने के लिए विष्णु ने भी उस श्वेता गणपति की आराधना की। इस प्रकार अपने सुब्रमण्य स्वामी गणेश गणेश जी के भाई जिन्हें मंगल कारक कहा जाता है आज भी मंगल दोष के निवारण के लिए अगर तमिलनाडु में जाते हैं तो सर्प की पूजा की जाती है मंगलवार के दिन, यह सुब्रमण्य स्वामी की पूजा के लिए और मंगल के दोष के लिए हम पौड़ू को धारण करते हैं जिसे पौड़ू का गणपति या मूंगा का गणपति हम कहते हैं। मूंगे के गणपति की आराधना
और वे उस दोष से छुटकारा पाया उन्होंने जो अपने माता को एक बार उन्होंने श्राप दे दिया था। तपस्या करते जाते समय माता ने उन पार्वती ने रोका था, वो कहा था कि मैं साधना करने जा रहा हूँ और जो मुझे साधना को देखने के लिए आएगा वो विधवा हो जाएगी, वो स्त्री ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। माता को श्राप देने के कारण, श्राप से रूढ़ी होने के कारण मुनि के घर की आराधना सुब्रमण्य स्वामी ने की। उसी प्रकार विश्वामित्र जब क्षत्रिय थे ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्होंने भी इसी गणपति की आराधना की। तो इस प्रकार हम गणपति को नाना विधि, श्वेता गणपति को देखते हैं, हम मुनि के गणपति को देखते हैं, हम हकीक के गणपति को देखते हैं। हकीक का पत्थर वो पिपला ऋषि के पिता ऋषि जिनसे वज्र तैयार हुआ था उन्हीं के एक कण से जो विराट वो हकीक पत्थर हुआ और हकीक पत्थर के गणपति से देवता रूप में छूटता है। तो इस प्रकार हम किसी न किसी रूप से बाधित है और स्वयं देवताओं ने अपने रूप को छुपाने के लिए ब्रह्मा ने भी, भगवान विष्णु ने भी, शिव ने भी, सुब्रह्मण्य स्वामी ने भी और माता महिषासुर को तपस्या के से हरण के माता दुर्गा ने भी। अगर आप उनहत्तर श्लोक रोज पढ़ते हैं तो आप इसमें यह बात पढ़ सकते हैं कि माता दुर्गा ने भी गणपति की साधना की उस रूप से चुनाने के जिससे वो तपस्वी महिषासुर को मारने का काम कर रही थी और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु ने, भगवान शिव ने युवराज को मारने के लिए, ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि आदि में विश्वामित्र ने, सूर्यनारायण ने, भगवान चंद्र ने भी गणपति की आराधना की जिसे हम संकट के लिए गणपति की आराधना करते हैं। तो इन सभी को जब यह ज्ञान हुआ कि हम इस रूप से जुड़ना चाहिए और वे जब गणपति की प्रार्थना करेंगे कि हमें इस रूप से जुटा दो और हमें कर्म मार्ग में लगाओ, हम सुख अनुभव करें, हम हमारे सारे पापों से मुक्ति प्राप्त करें, हम इसका मार्ग बताओ, ऐसा जब उन्होंने प्रार्थना की तब भगवान गणेश जी कहते हैं कि फलाने फलाने राशि वाले विष्णु ने किस राशि में जन्म लिया, सूर्यनारायण ने किस राशि में जन्म लिया, सुब्रमण्य स्वामी किस राशि में जन्म लिया, वो राशि वाले आज हम भगवान वेंकटेश्वर को रामचंद्र जी का जन्म लेते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, कृष्ण का जन्म लेते हैं तो रोहिणी नक्षत्र में हुआ, भगवान वेंकटेश्वर का जन्म लेते हैं तो श्रवण नक्षत्र में हुआ। तो इन लोगों ने भी गणपति की आराधना की, जो चाहे ये अवतार भी बनो हो इनके भी जन्म का स्थान है। भगवान राम की कर्क राशि है तो भगवान ऋषि की वृषभ राशि है, भगवान वेंकटेश्वर की मकर राशि है। आज तक भी भगवान वेंकटेश्वर ऋण करता है, आज भी वो बड़ी काशी कहा जाता है, वे आज भी एक रात के एक बजे तक से सुबह 3 बजे से उठ जाते हैं, केवल पैसा उनके पास से आता है, उबे शादी के लिए उन्हें ऋण लिया है, उस ऋण को चुकाने के लिए कोई भी ऋण कंपनी की साधना करते हैं। तो इस प्रकार अगर योग्य गुरु हो, शुक्राचार्य कहते हैं कि योग्य गुरु हो और आप किसी भी गुरु से आपका कोई कार्य साधना में सफलता नहीं मिल रही है, आप किसी कार्य को करते हैं तो आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही जितना बालू वाली मिल रही है, आपने ये कर्म ऐसा किया हो जिससे दुख पहुंचाया हो तो आपका ऐसा हो रहा है, तो आपके राशि के अनुसार, आपके व्यवहार के अनुसार आप किस गणपति की पूजा करने पर उस रोज से छुटकारा पाएंगे और आपका कार्य में सफलता मिलेगी। यह बात शुक्राचार्य शर्मिष्ठा को और अपनी कन्या देवयानी को और विश्वरूपा नाम के उस दानव पुत्र को समझा रहे हैं। यही रणहत्ता गणपति का गणपति की साधना देने से इस संसार में आपने देखा है, इस संसार में आपने देखा है चाहे राम ने जन्म लिया हो, प्रसाद ने जन्म लिया हो और कोई जितने भी देवता है उन सभी ने अपने ऋणों को चुकाने के लिए क्योंकि दानव को उन्होंने मारा था वे अनुभव करते रहे और जितने भी राक्षस हैं वो सब लोग और दानवों का मृत्यु वाली मनाया जाता है। अब देखो रावण को दशहरे में हम मारते हैं तो रावण का मरा हुआ रावण का जन्म का हुआ किसी को पता नहीं, रावण का जन्म ही कोई नहीं मानता, राम को मरा हुआ भी मानते हैं, राम और कृष्ण के जन्म भी मनाया गया, राम और कृष्ण कब गए किसी को प्रभास क्षेत्र में, कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागा, राम ने सभी धनी पे त्यागा, तो ये त्यागा हुआ दिन कौन सा है और उसको कोई मनाते नहीं, देवताओं का जन्म भी मनाते हैं और राक्षसों का मरण का भी मनाते हैं, लेकिन इन दोनों का भी मनाते जरूर है। यह वर्ण है वो दान है जो मरा राक्षस और वो यह वर्ण है जो शिव है,
वो देव है। और ये दोनों से हम जब तक मुक्ति नहीं पाते, हम चाहे जितना भी प्रयत्न करो, हम उस कठिन चीज से कहा है दुखदायक परिणाम से, जिसको ये पीड़ित है वो लोग कितना भी करो साधना में या देवताओं से कृपा प्राप्त कर ही नहीं सकते। यही बात समझा गए शुक्राचार्य उस वृषभवरा राजा को और उस सत्यता को उसकी कन्या को। बेटा पहले मुझसे जुड़िया तो तुम तुम्हारे सारे प्रश्नों से तुम्हारे आपके जो तुम भोग रही हो तो केवल गुरु के कारण है। हम प्रभु रामचंद्र जी का हो, दशरथ जी का हो, कैकेयी का हो, इन सभी को भी हम मित्र नहीं कहते हैं। श्रवण नाम के उस बालक को राजा दशरथ ने मारा था, उनका शाप करने के कारण वो राम का वियोग अनुभव कर रहा था दशरथ जी को, वह उन्होंने उसके ऊपर नहीं आया था। जब तक उन्होंने इस कार्य का मार्ग किसी ने नहीं बताया, राम ने कुंडली जी का वियोग अनुभव किया। दशरथ मरे चाहे राजा दशरथ महान भी थे, लेकिन उनको अनुभव करना ही पड़ा था। कंस ऋषि के माता पिता हूं वो भी कश्यप प्राप्ति ही थे, उनका ही अवतार था वसुदेव देव जी का, उनको भी जय भोगना ही पड़ा। ये किस किस उन लोगों को भी उन ऋणों से छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों का मार्ग बतलाने वाले गुरु नहीं थे। योग वशिष्ठ नाम का पुस्तक लिखा और योग वशिष्ठ इतना ही प्रधान है जो अपने को किस तरह ऋणों से छुटकारा मिलना चाहिए, ये वशिष्ठ महर्षि ने बताया। और जब तक हम ऋणों से मुक्ति नहीं पाते, तब तक हम कितना ही कुछ भी कार्य करो, हम साधना करते समय अड़से में आना, अपने गुरु को मिलते जाने समय अड़से में आना, देवताओं को जाते समय हटाने वाले स्थिति को से देवताओं ने भी जिस ऋण से छुटकारा पाने के लिए जिन साधनाओं को किया, अपने अपने राशि अनुसार निर्णय किया और भी सुखी हुए, उन्हें स्वर्ग अनुभव किया। इसलिए ज्ञानाधिपति कहा गया है भगवान गणेश जी को। और गणेश जी ही एक ऐसे देवता है जिनका स्वीकार गणपति घर में हम रखते हैं, या हरिद्रा गणपति की साधना, या हरि गणपति की साधना, या मूंगा गणपति की साधना, अपने राशि अनुसार जो हर कृष्ण नक्षत्र के ऊपर करता है वह सारे ऋणों से छुटकारा पाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। यह बात शुक्राचार्य समझा रहे हैं। तो आज यही साधना मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन सी साधना किस राशि वाले किस गणपति की साधना करने से हम अपने ऋणों से छुटकारा पाकर अपने कार्य में सफलता पा लेते हैं। अपने घर में कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, कन्या सुंदर है, कन्या बड़ी लिखी है, कन्या के सब कुछ गुण है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही। बच्चा पढ़ा लिखा है, शादी नहीं हो रही। बुद्धू आदमी है, उसकी शादी हो रही है। दो क्लास दूसरी पढ़ा हुआ है, मिनिस्टर हो रहा है, और एमए पीएचडी है, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है? हम कितने ही लोगों को देखे, दसवीं कक्षा पास मिनिस्टर है और आईएएस पढ़ता है मिनिस्टर, उस मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, उसे क्या है? ये क्या गति है, ये क्या स्थिति है? किस चीज से हम ये छुटकारा पाएंगे? क्यों ऐसा होता है? हम बहुत सारे राजाओं को देखे जो उनके वो केवल राजा का पुत्र होने के कारण राजा हुआ, वो मूर्ख है, जानते हैं, लेकिन उस मूर्खता को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह हमारा उज्जवल भविष्य देख सके, हम किस तरह ये सुरक्षित छुटकारा पा सके, यह ज्ञान शुक्राचार्य ने इस संरचना को समझा रहे और वही ज्ञान में आज आपको दिया। यही शास्त्र में लिखित है। एक उपनिषद है जिसे प्रश्नोपनिषद कहा गया, जहां शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उसका जवाब दे, उसका उत्तर देता है। उसमें यह भी एक है जिसे उद्धार महावीर थे, उनको उन्होंने भी अपने पुत्र को पितृ ऋण से कैसे छुटकारा पाया जाए, यह बात उससे पूछे उन्होंने कहा, अपने पुत्र को कहा कि तेरा ऋण तो इससे छूटेगा कि अगर तू यम को मैं ले लिया तो तेरा ऋण छूट जाएगा। उससे उन्होंने कह दिया अपने पिता के, अपने पिता ने पुत्र को कह दिया, यह कोई पुत्र है जिसे निष्केता कहा जाता है। निष्केता ने यम धर्मराज के पास जाकर
छुटकारा पाने का एक नचिकेता की प्रवृत्ति नामदार के विधान है। इस विधान से भी यह बात कही गई है कि पितृ रूप से किससे छुटकारा पाया जाता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में भाई भाइयों में झगड़ा है, बहुत सारे घरों में पिता पुत्र भी झगड़ते हैं, बहुत सारे अब जरा कहने की आवश्यकता नहीं, ऐसी भी स्थितियां हैं जहां अगर गुरु उसका काम करता है तो गुरु अच्छा है, अगर उसका काम नहीं करता तो गुरु अच्छा नहीं है, वो दूसरे गुरु के पास जाता है। अच्छा है भगवान सूर्य एक ही है अपने पास, अगर नहीं होते तो भगवान सूर्य को भी छोड़कर दूसरे सूर्य के पास जाएगा, सूर्य दूसरा नहीं है, चंद्र दूसरा नहीं है, लेकिन हम उसी स्थिति में चलेंगे। आज हमने लाइटों की सृष्टि की, हम छोड़ते हैं, हमारे पास एक बार नहीं हुआ तो दूसरे की बार जाएंगे, स्थिति हमारे पास जब तक बनी रहेगी हम उससे छुटकारा पाएंगे। हम जिससे कष्ट होते हैं, जिसको अनुभव करने से हमें कष्ट अनुभव करता है, उसी के पास अनुभव करना चाहिए, यह उससे छुटकारा होता है। अब हम जब तक उससे छुटकारा पा नहीं सके तब तक हम किसी भी सफर किसी भी पहुंची तरीके का सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको मैंने बहुत बार समझा है, बहुत बार कहा भी है, मैं जिस गुरु को चाहता हूं, अभी एक बार मैंने कही कि गुरु जी हमारी परीक्षा मत लो, परीक्षा नहीं परीक्षा प्रकृति भी लेती है। सूर्य भगवान जो आपको रोज सूर्य नारायण अगर दिन होता है तो अच्छा लगता है, हम सब घूम के आते हैं, लेकिन यही सूर्य जब तेज बन जाते हैं धूप आने लगती है तो आप बहुत धूप है, घर में भी लगे हुए सूर्य भगवान को भी लगाने देते हैं, हवा पंखा लगा देते हैं, सभी पकड़ते हैं सूर्य जी के आंखे पर नहीं लगे तो सूर्य की तीव्रता अपनी परीक्षा तीव्रता बता देता है। वही नदी जो बहती है नदी स्नान करने से अच्छा है, बाढ़ आके तो सही को गाले देते कितने लोगों को मार के, वो परीक्षा नहीं है, वो प्रकृति है। हवा है अच्छी तरह बहती है तो ठीक है, तूफान आता है तो कितने लोगों को ले जाके, वो भी परीक्षा है। प्रकृति पृथ्वी है भूकंप होता है तो कितने घर उजाड़ते हैं, जो पृथ्वी अपने को पालती है वो भी परीक्षा लेती। ऐसे कुछ महापुरुष हो देवता हो अनेक अपने जीवन परीक्षा है, तुम्हारे व्यक्तियों का एहसास दिलाते हैं। और जब तुम इस समय से छुटकारा पाना चाहते हो इस कारण ही मां पार्वती ने गणेश जी सृष्टि की और कहा था कि जो इस गणेश जी को अपने राशि अनुसार पूजा करता है उसको मैं मनुष्य से छुटकारा दूंगी। यह बात शुक्राचार्य ने उस वृषभकर्मा नाम के कश्यप प्रजापति के जनु के नाम से उत्पन्न हुए उस पुत्र को बताया, कश्यप के सत्र ऋषियों से एक थी। और कश्यप के कश्यप प्रजापति के जितने भी चाहे हिरण्य कश्यप हो उसके पुरुष के पौत्र रावण हो कुबेर हो ये सभी भी धनाढ्य हैं, इनमें से ध्यान रहकर तुम और सुख की कामना करते हो और सुख और दुख को दोनों एक तरह से देखना चाहते हो तो उस गणेश जी की साधना करो जो आपके राशि अनुसार है। आपको अपनी राशि का पता नहीं है तो आपके व्यवहार नाम में जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर से आप आपकी राशि जानकर उस गणेश जी की पूजा करते हो तो आप उन गुणों से छुटकारा पाकर आपके कार्य में सफलता पा सकते हो। जो आपके घर में अड़चने हैं तो उन अड़चनों का निवारण कर सकते हो। मैंने यह कार्य ही यह शास्त्र कार्य मैंने प्रभु ने सतगुरुदेव के मुख से एक बार सुना था तो संत पुराण में यह गोष्ठी आती है कि हम मनुष्य छुटकारा किस तरह पाए। और यह जो मैंने अभी आपको पुराण की कथा सुनाया यह शुक्राचार्य की सभ्यता की कहानी जो सुनाई मैंने उन्होंने ये सूर्य पर्व को बताया कि हम मनुष्य किस तरह छुटकारा पाए किस तरह पाना चाहिए, कौन से मंत्र से कौन सी राशि वाला किस तरह से मुक्त होता है। हम पेड़ से आम खाते हैं तो उस पेड़ के रोनी बने, हम नदी से पानी पीते हैं तो नदी के रोनी बने, हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हम पृथ्वी में अड़ जाते हैं कि हम पृथ्वी का रोन चुका लें, हम आदमी से कुछ लेते हैं तो अपनी से हमारा शरीर जलता है जला देते हैं तो अपनी का रोन हमें चुका लेंगे, हम नदी में डूब कर मरते हैं तो पानी का रोन है पानी से रोन चुकाती है, हमारा शरीर हर एक मामलों का अपना रोन चुका लेता है। लेकिन सहज मरण हो सहज रण के इसके लिए जो कार्य करना पड़ता है उसके लिए गणेश जी की प्रार्थना संकट नाश गणेश जी की प्रार्थना का विधान है। और आज के दिन जब ठाकरे और उनके सारे बंधु मेरे पास हैदराबाद आए थे, हर बार 21 जनवरी को ही शिविर होता है यहाँ, तो मैंने कहा इस बार हम भंडारा में शिविर 8 फरवरी को करेंगे जिस दिन पुष्य नक्षत्र है। और एक विशेष साधना मैं प्रदान करता हूँ जो मैंने साधना इतने में पढ़ी है और वो आज का दिन चुनकर आज रवि पुष्य योग है, रविवार है पुष्य नक्षत्र है और आज जो भी इस गणेश जी की साधना करता है अपने गुरु के सामने गुरु का वचन लेकर वो सारे सुनो से छुटकारा पाकर
यह कार्य भगवान शुक्राचार्य ने, हम शुक्राचार्य भगवान से कहेंगे त्रिवेणी मार्ग बताया, इस शुक्राचार्य से ही संजीवनी विद्या सीखने के लिए देवता के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ आए थे। जब बृहस्पति जैसे देवताओं के गुरु के पुत्र ही संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास आते हैं, तो देवता हम जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसलिए राक्षसों को शुक्राचार्य ने सुखी किया, भरत बात अलग है, मरण तो शरीर को शरीर प्राप्त करते हैं, कोई ऐसा राक्षस नहीं जो पृथ्वी पर सुखी नहीं था, मरा अलग, वो अमर नहीं हुआ, वो बदनाम हुआ, वो बात अलग, लेकिन रहा शुक्राचार्य हम उस ऋण से मुक्ति अगर पाते हैं, उसका विधान करते हैं, उसके सहजता को अगर हम जानते हैं, तो हमारे जीवन में मैं सारी समस्याओं के ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमारे जीवन में अड़ते हैं, या हमारे साधनाओं में सफलता नहीं मिल रही है, या हम गुरु जी की कृपा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, या देवता की कृपा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये ऋणों से छुटकारा पाएंगे जो हमारे घर में किसी के साथ किसी को हमने दर्द किया होगा, किसी को हमने दुख दिया होगा, किसी को हमने कष्ट पहुंचाया होगा, हम अनजानी चीज मांगे होंगे हमने किसी से और उसने साफ किया होगा, हम उसके वही हैं, हमें किसी के पास किसी का धन छीना होगा, किसी का पैर छीना होगा, उसको न जानते हुए हमने ये कार्य किया होगा, तो उस ऋण से छुटकारा पाने की प्रक्रिया केवल यही गणेश जी की साधना है। आज कृष्ण नक्षत्र है और आज की यह साधना केवल तीन माला मंत्र करते हुए उस गणेश जी के सामने, उस हरिद्र गणपति की साधना के सामने, अपने गुरु के सामने करता है, वह अपने किसी भी तरह की साधना में असफल हो वो सफलता प्राप्त करता है, ऐसी मेरी धारणा है। क्योंकि मैं हर कुछ नक्षत्र के दिन हरिद्र गणपति की साधना करता हूँ, मैं सब राक्षस हूँ, और गुरु जी ने कहा है कि गोरखनाथ श्रेष्ठ के लिए कहा है, गोरखनाथ जी ने स्वयं कहा है कि जो कि नाथ संप्रदाय इतने श्रेष्ठ थे कि वे किसी देवता को सुने नहीं थे, रामचंद्र जी और हनुमान जी से जैसे देवताओं को उन्होंने अपने हराया था, वैसे ही श्रेष्ठ गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय जो कहते हैं कुछ नक्षत्र के जो हरिद्र गणपति और अपने व्यर्थ की साधना करते हैं। जैन संप्रदाय में गणेश जी हैं, बौद्ध संप्रदाय में गणेश जी हैं, और सनातन धर्म में गणेश जी, गणेश जी नहीं है ऐसा कोई, आप अगर आश्चर्य होगा कि हम दूसरे जाति बिहारीय मुसलमानों में भी गणेश जी साधना है, आपको इस सुंदर आपको अच्छा लगता हो, और यह साधना जो करते हैं वो गुरु नहीं होते हैं, उस गुरु को छुपाने के लिए उसलिए आज वे भी यहाँ सुखी है। यह साधना जिसे बिस्मिल्लाह कहा जाता है वो और कोई नहीं साक्षात गणेश जी है। इसकी कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा, आपको मोहम्मद के एक पुत्र का सर काटकर बुला दिया करते हुए हम मोहरम दिन की बात करते हैं, वह सर काटा हुआ वह गणेश जी की साधना है। आज हम लक्ष्मी नरसिंह भगवान की बातें, कृष्ण ने सर काटकर सिंह का सर लगाया था, यह वही साधना है जो गणेश जी की साधना है जिसे गणेश जी से प्राप्त कर उन्होंने लोक का कल्याण किया था। इस साधना को करने के लिए ऐसा कोई नहीं, हर धर्म में ये साधनाएं हैं, गणेश जी की साधना रहने के कारण ये उड़ने में अश्वी है, कम से कम सुखान को करके यहाँ ये बात की बात है, उन्होंने क्या किया होगा, आपका जन्म किस तरह गया होगा, गणेश जी की इतनी महानता कर रहे हैं कि हर देवता कोई धर्म वाला भी गणेश जी की साधना उनके पास गणेश जी की मूर्ति है, चाहे जैन संप्रदाय हो, बौद्ध हो, या पारसी संप्रदाय हो, या सनातन धर्म हो, इनमें ऐसी साधना को, ऐसी एक विशिष्ट साधना को कुछ नक्षत्र के लिए ही करना या श्रीकार को ही लेना और उन्हें की गणेश जी है ऐसा कहना, इसके बारे में और एक पुराणों के विधान है, पुराणों की कहानी है, पुराण एक पद्धति है जिसे हम श्वेतार्थ को ही लेकर हम रुड़ने के लिए होंगे, क्यों मुनि की गणपति बनाना चाहिए, क्यों हकी के पत्थर की गणपति बनाना चाहिए, और देवताओं के नक्षत्र कौन से हैं, राक्षसों के नक्षत्र कौन से हैं, जिसे हम देखते हैं कि हमारे राक्षसों के नक्षत्र रहते समय तीन गण कार्य कराए जाते हैं, एक मानव गण, मनुष्य गण, एक देवगण और एक राक्षस गण, ऐसे हम तीनों राक्षसों में गिरे हैं, और इन तीनों राक्षसों के अनुसार ये तीनों भी है, जहाँ मुनि की गणपति है, हकी की गणपति है, और हरिद्रा गणपति का प्रयोग किया जाता है अपने राक्षसों के अनुसार। इस रूप से ही हम इस संसार को सुख अनुभव करते हैं,
ये विधान ये पद्धति मैं इस पद्धति को और पुराण विधान को 15 मिनट के बाद बताऊंगा। तब तक मैं गोल्डी को चाहता हूँ कि एक सुंदर सा भजन सुनाए। जरा कंठ रुंध गया है, मैं उसके बाद भजन के बाद बताऊंगा। सभी साधक अपने अपनी जगह